बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का आत्मदर्शन टीवी में प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए हार्दिक स्वागत। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में कि कई तरह की जॉब वैकेंसीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एडवर्टाइजमेंट या फिर अन्य तरह के विज्ञापनों को पेपरों में या अन्य स्थानों पर हम देखते हैं, और उन विज्ञापनों के द्वारा, उन विज्ञप्तियों के द्वारा जो इच्छुक हैं, जो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे जा करके जो भी मापदंड हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करके वे अपना इंटरव्यू देते हैं। हम देखते हैं जब कोई इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारे आते हैं, कई सारे जो आते हैं और ये सोच करके आते हैं कि शायद हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन चुने वही जाते हैं जो उसके योग्य होंगे, जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जो मापदंड है उसके लायक पाए जाते हैं। कुछ वैसा ही हम आज के पवित्र सुसमाचार में पाते हैं। प्रभु महायाजकों को इस तरह से दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने एक भोज का आयोजन किया, और प्रभु बताते हैं कि किस तरह से उस राजा ने भोज का आयोजन करके सभी को आमंत्रित किया, सभी को बुलाया, लेकिन वहाँ पर उनका निमंत्रण स्वीकार करके जो बुलाए गए थे वे ना आकर के अपने कार्यों में, अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो गए। प्रभु इस बात से ये बताना चाहते हैं कि इजरायली जनता ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा थी, ईश्वर ने उन्हें विशेष रूप से बुलाया था, लेकिन वे प्रभु के बुलावे को समझ नहीं पाए थे, और इसलिए जब ईश्वर ने उनके पास नबी भेजे, ईश्वर ने अन्य महापुरुषों को भेजा, उन सभी की बातों को उन्होंने अस्वीकार किया, और अंत में प्रभु यीशु स्वयं उनके पास आए, अपनी चुनी हुई प्रजा के पास, लेकिन वे उन्हें भी पहचानने में असमर्थ रहे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इस तरह से प्रभु आगे दृष्टांत में समझाते हैं कि किस तरह से राजा वापस अपने नौकरों को भेजता है और कहता है कि जो भी रास्ते के किनारे हैं उन सभी को बुला करके ले आओ, सभी को बटोर करके ले आओ, और विवाह भोज में सभी लोग आते हैं, वहाँ पर सभी विराजमान हैं। और उस समय प्रभु कहते हैं कि जिसके पास विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं है उन सब को यहाँ से निकाल दिया जाए। प्रभु कहते हैं, राजा अपने सेवकों से कहता है कि भले और बुरे सभी को बुला लाओ, वह विवाह मंडप में सभी को आमंत्रित करते हैं। और प्रभु आगे कहते हैं, जब राजा विवाह मंडप में आता है और अतिथियों को देखता है, उनमें वह एक व्यक्ति को पाता है जो विवाह उत्सव के वस्त्र पहने हुए नहीं था। तब राजा अपने सेवकों से कहता है, उसके हाथ पैर बांध दो और उसे अंधकार में फेंक दो, जिसे वह वहां रोएगा और दांत पीसते रहेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इजरायली जनता को प्रभु ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने प्रभु के निमंत्रण को, प्रभु के बुलावे को वे नहीं समझ पाए थे। हम सभी को भी प्रभु ने बपतिस्मा के द्वारा बुलाया है, हमें निमंत्रण दिया है, अपने शिष्यों के माध्यम से प्रभु का वो संदेश हमें मिला है, वो निमंत्रण हमें मिला है, लेकिन क्या मैं प्रभु के इस विवाह भोज में
विवाह भोज के वस्त्र पहन करके प्रवेश करने लायक बन पाया हूँ या नहीं। क्या मुझे जो बपतिस्मा मिला है, बपतिस्मा के द्वारा जो कृपाएं मिली है, क्या उन कृपाओं को अपने जीवन में विकसित करते हुए उनमें पूर्णता पाते हुए क्या मैं प्रभु के पास उस दिन जब प्रभु मुझे बुलाएंगे क्या मैं उनकी गिनती में आऊँगा जो प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं, जो विवाह मंडप में वहाँ पर प्रभु के साथ विराजमान है। आइए हम सब वो वस्त्र जो प्रभु ने हमें बपतिस्मा के द्वारा दिया है, जो निमंत्रण प्रभु ने हमें अपने बपतिस्मा के द्वारा दिया है, उसे हम स्वीकार करते हुए उस निमंत्रण को, उस वस्त्र को पहन करके ऐसे कार्य करें जिससे प्रभु के विवाह भोज में हम सम्मिलित हो सके। प्रभु हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें।